नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट के सिटी स्कैन के बारे में, यानी कि एब्डोमिनल सिटी स्कैन के बारे में। दोस्तों, एब्डोमेन या पेट का सिटी स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें कि एक्सरे तरंगों व कंप्यूटर की मदद से पेट के अंदर की संरचनाएं जैसे कि रक्त वाहिकाएँ, मांसपेशियाँ और वसा, इन सब का सिटी स्कैन किया जाता है और इस टेस्ट के माध्यम से एब्डोमेन में असामान्यताओं के बारे में पता किया जा सकता है। स्कैन के दौरान शरीर के चारों तरफ कई एक्सरे बीम घूमते हैं और स्कैन के दौरान कई एक्सरे बीम आपके शरीर के चारों ओर घूमते हैं और जब सिटी स्कैन प्रक्रिया चल रही होती है तो पूरे शरीर में अवशोषित रेडिएशन को मापा जाता है और इस दौरान कंप्यूटर स्कैन किए गए हिस्से की 2D छवियां तैयार करता है और सिटी स्कैन के माध्यम से आंतरिक अंगों और उत्तकों की विस्तृत छवियां तैयार की जा सकती है। हालांकि जिन मामलों में और अधिक विस्तृत छवियों को देखने की ज़रूरत होती है उनमें रोगी के शरीर में कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट किया जाता है। डाई का प्रयोग करने से सिटी स्कैन फिल्म पर विशिष्ट उत्तक या अंग गहरे हिस्से में दिखाई देते हैं जिससे कि डॉक्टर या तकनीशियन के लिए उन्हें अलग से नोटिस करना आसान हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि पेट का सिटी स्कैन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, पेट वाले हिस्से में कुछ अंगों से संबंधित किसी भी असामान्यता जैसे कि ट्यूमर हो, इन्फेक्शन हो या सूजन हो, उनकी जांच के लिए सिटी स्कैन किया जाता है। जैसे कि लीवर है, तिल्ली है, किडनी, मूत्राशय, पेट, आंत, अग्नाशय या फिर अधिवृक्क ग्रंथि जो कि किडनी के ऊपरी हिस्से पर मौजूद होती है। डॉक्टर पेट में दर्दनाक चोट के प्रभावों का मूल्यांकन करने व लक्षणों के कारण का आकलन करने के लिए भी इस टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, पेशाब में खून, नाभि वाले हिस्से में सूजन, बुखार, किडनी या लीवर की ब्लड रिपोर्ट असामान्य होने पर पेट के अंदर ब्लीडिंग, बायोप्सी प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए पेट में ट्यूमर व रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए कीमो की प्रतिक्रिया को मॉनिटर करने के लिए और साथ ही साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी की योजना बनाने और उसका आकलन करने के लिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पेट का सिटी स्कैन किसे नहीं कराना चाहिए। तो सिटी स्कैन आमतौर पर सुरक्षित होता है, हालांकि कुछ मामलों में डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, जैसे कि गर्भावस्था में, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में, पेट में धातु की कोई वस्तु होने पर जैसे कि सर्जिकल क्लिप, या फिर यदि हाल ही में बेरियम टेस्ट कराया हो या फिर किडनी फेल्यूर जैसी समस्या में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पेट के सिटी स्कैन की तैयारी कैसे की जाती है। तो दोस्तों, एब्डोमेन या पेट का सिटी स्कैन से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि टेस्ट से पहले आपको ढीले आरामदायक कपड़े पहनने और धातु की सभी वस्तुओं या आभूषणों को हटाने के लिए कहा जाएगा और इसके अलावा अस्पताल के कर्मचारी आपको टेस्ट के लिए गाउन पहनने के लिए दे सकते हैं। टेस्ट से कुछ घंटों पहले से कुछ न खाने पीने का सुझाव दिया जाता है और खासकर यदि कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग किया गया है। यदि आप गर्भवती है या कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी है तो इस बारे में डॉक्टर को बताएं। यदि आपको अस्थमा, डायबिटीज़, किडनी की बीमारी या थायराइड या हार्ट विकार है तो इस बारे में भी टेस्ट से पहले डॉक्टर को बताएं। डायबिटीज़ रोगियों को टेस्ट से कम 2 दिन पहले अपनी दवाई लेना बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर आपसे सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कह सकते हैं और इस फॉर्म में कॉन्ट्रास्ट डाई से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी शामिल होती है। दोस्तों, बात करते हैं पेट का सिटी स्कैन जो है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सिटी स्कैनर टेबल पर लेटने के लिए कहा जाएगा। टेस्ट के दौरान यह टेबल स्कैनर में धीरे धीरे अंदर जाएगी और यदि कॉन्ट्रास्ट डाई की आवश्यकता होती है तो इसे आपकी बांह की नस में इंजेक्शन के जरिए लगाया जाएगा या आपको लिक्विड के रूप में भी दिया जा सकता है जिसे कि निगलने की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी दूसरे कमरे से स्कैनर को कंट्रोल करेंगे और स्कैनर के अंदर स्पीकर व माइक लगा होता है और यदि आपको संवाद करने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप वहां मौजूद कॉल बटन को दबाकर बात कर सकते हैं। जैसे ही स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू होती है मशीन आपके शरीर से एक्सरे तरंगों को पास करेगी और अब स्कैनर आपके शरीर के उत्तकों द्वारा अवशोषित एक्सरे का पता लगाएगा और उन्हें कंप्यूटर में स्थानांतरित करेगा। स्कैन में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय लगता है और तकनीशियन आपको स्कैन के दौरान हिलने डुलने से बचने के लिए कहेंगे क्योंकि इससे फोटो साफ आती है और यदि कॉन्ट्रास्ट डाई के लिए इंट्रावेनस लाइन चालू की गई है तो स्कैन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे हटा दिया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पेट के सिटी स्कैन के दौरान आपको कैसा महसूस होगा। तो सिटी स्कैन जल्दी होने वाला और दर्द रहित इमेजिंग टेस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग इस दौरान असहज महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कमरे के अंदर एयर कंडीशनिंग तापमान के कारण आपको ठंड लग सकती है। यदि कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट किया गया है तो हल्का सिरदर्द, झुंझुनाहट, मुंह में धातु का स्वाद या फिर उल्टी हो सकती है और यदि कॉन्ट्रास्ट डाई को निगलने की ज़रूरत है तो इसका स्वाद आपको अजीब और बेकार लग सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पेट के सिटी स्कैन के परिणामों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, यदि एब्डोमेन या पेट का सिटी स्कैन का रिजल्ट असामान्य है तो ये कुछ स्थितियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि कैंसर हो सकता है जिसमें कि पेट का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, लिम्फोमा, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, रिनल सेल कार्सिनोमा यानी कि किडनी कैंसर, मिलेनोमा, मूत्रमार्ग का कैंसर, कैंसर का फैलाव जो कि पेट के बाहर फैलने लगता है
साथ ही साथ फियोक्रोमोसाइटोमा यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि उत्तक का ट्यूमर। उसके बाद दोस्तों अग्नाशय शोथ हो सकता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो सकता है, पित्त नली में ब्लॉकेज हो सकता है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है यानी कि पित्ताशय में अचानक से जलन व सूजन होना, पित्त में पथरी बनना, अग्नाशय में फोड़ा यानी कि अग्नाशय में मवाद बनना, किडनी की ब्लॉकेज, किडनी में पथरी, किडनी में इन्फेक्शन, किडनी खराब होना, हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि पेशाब में उल्टे प्रवाह की वजह से किडनी में सूजन होना, साथ ही साथ अपेंडिक्स, क्रोन डिजीज, आंत की परतों का मोटा होना, किडनी की रक्तवाहिकाओं का संकुचित होना और रिनल वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारी समस्याएं का संकेत हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं पेट के सिटी स्कैन के कुछ जोखिम और लाभों की। तो दोस्तों एब्डोमेन या पेट के सिटी स्कैन के लाभ की बात करें तो यह एक गैर आक्रामक यानी कि बिना चीरफाड़ वाला और दर्द रहित प्रक्रिया होती है। इसमें रेडिएशन का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और यह स्पष्ट बताता है कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती होने के जोखिम को यह कम करता है और यह प्रभावित हड्डियों, रक्तवाहिकाओं और नरम उत्तकों का एक साथ पता लगा सकता है। अगर हम इसके जोखिमों की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान यह टेस्ट कराने से पहले डॉक्टर से बात करें। सिटी स्कैन में इस्तेमाल होने वाला रेडिएशन स्तनपान कराने वाली माताओं व उनके शिशुओं में जोखिम कारक हो सकता है। स्कैन के दौरान यदि डाई का प्रयोग किया गया है तो इससे कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। डाई से एलर्जी की वजह से एक्यूट किडनी फेल्यूर का जोखिम हो सकता है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि पेट के सिटी स्कैन के बाद क्या होता है। तो टेस्ट के बाद व्यक्ति नियमित आहार और गतिविधियों को जारी रख सकता है और यदि कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट की गई है तो डॉक्टर खुजली, दाने, सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसे किसी भी दुष्प्रभाव की जांच करेंगे। यदि आप डायबिटीज की मौखिक रूप से ली जाने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको उन्हें फिर से शुरू करने से पहले 48 घंटे तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है। अगर हम बात करें कि सिटी स्कैन के साथ अन्य कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, दोस्तों निदान की स्थिति के आधार पर डॉक्टर होल एब्डोमेन सिटी स्कैन के साथ कुछ और भी टेस्ट कराने का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि कोलोनोस्कोपी, पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का एंजियोग्राम, पेट का एक्सरे, लिवर स्कैन और साथ ही साथ अग्नाशय का स्कैन। दोस्तों ध्यान रहे कि इन सभी टेस्ट के परिणाम रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबद्ध यानी कि जुड़े होने चाहिए और यहाँ पर मौजूद जो भी जानकारी हमने दी है वो शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई और या किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।